इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पुष्कर थाना अधिकारी पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी की मदद के एवज में उसने ये रिश्वत मांगी। एसीबी जोधपुर के पास शिकायत पहुंची है। मामले की जांच में एसीबी की टीम जुटी हुई है। एसीबी ने अजमेर एसपी से थानाधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड मांगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी जोधपुर कमिश्नरेट के एक एएसआई की भी भूमिका यहाँ पर सामने आ रही है। पुष्कर थाने का एक कांस्टेबल भी शामिल है इसमें। जोधपुर का एक युवक पुष्कर में गिरफ्तार हुआ था। एनडीपीएस के मामले में यह गिरफ्तार हुआ था जहां पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये आरोप लगा है पुष्कर थाना अधिकारी पर। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी की मदद के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी जोधपुर के पास शिकायत पहुंची, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मामले की जांच में जुटी है एसीबी की टीम। एसीबी ने अजमेर एसपी से थानाधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड भी मांगा है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है जोधपुर कमिश्नरेट के एक एसआई की भी भूमिका इसमें सामने आ रही है। पुष्कर थाने का एक कांस्टेबल भी यहाँ पर शामिल है। जोधपुर का एक युवक पुष्कर में गिरफ्तार हुआ था और एनडीपीएस के मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इस मामले में रिश्वत की डिमांड की गई। जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, कई लोग की संलिप्तता इस मामले में मानी जा रही है, साथ ही 10 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप पुष्कर थानाधिकारी पर है। क्या जांच में सामने आया अब तक? जी, ये जो है एक मामला है एनडीपीएस मामला, जिसमें जोधपुर का एक युवक एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार हुआ था और इसके सहयोग की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की बात सामने आई थी, जिस पर एसीबी जोधपुर को इस मामले की शिकायत मिली थी। एसीबी जोधपुर की टीम ने फिलहाल अजमेर एसपी से थानाधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड तलब किया गया है। अब तक की जांच में सामने आया कि एसीबी टीम का जो जांच है उसमें पुष्कर थाने के कांस्टेबल और जोधपुर कमिश्नरेट का एक एएसआई है, उसकी भी भूमिका सामने आ रही है। फिलहाल इस सारे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरह की इसकी भूमिका रही है और सर्विस रिकॉर्ड किस तरह का रहा है, उसके बाद ही एसीबी इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी।